नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पुनाक महाजन और द इंडियन डॉक्टर की क्लिनिकल सीरीज़ में आपका स्वागत है। आजकल की लाइफ में हेडेक एक कॉमन प्रॉब्लम है। ये कई कारणों की वजह से होती है, जैसे कि नींद ना आना, बीपी बढ़ना, आँखों का कमज़ोर होना, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पुराना जुकाम या फिर माइग्रेन। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे ही सिरदर्द और माइग्रेन के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन, क्या आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर्स हमेशा वाइट कोट ही क्यों डालते हैं या उनके कपड़े वाइट क्यों होते हैं? इसका आंसर इस वीडियो के लास्ट में मिलेगा, तब तक हमारे साथ बने रहें। तो आज का हमारा टॉपिक है माइग्रेन। ये एक साइड पे होने वाली पल्सेटिंग पेन होती है, या ऐसा बोलूँ फड़कने वाला दर्द होगा जो 3 से 4 घंटे लगातार होगा। माइग्रेन का दर्द कभी भी कम नहीं होता, जिसको होता है उसी को ये पता चलता है। तो ये जो दर्द है ये माइल्ड से शुरू होकर सिवियर तक जाएगा, कभी भी नॉर्मल नहीं होगा। माइग्रेन के साथ आपको नोजिया की प्रॉब्लम आएगी, ब्राइट लाइट्स को देखने में प्रॉब्लम आएगी, कई बार लिम्स स्वेल कर जाएंगे, स्लीप डिस्टर्ब रहेगी आपकी और सोचने की क्षमता में काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे। माइग्रेन की प्रॉब्लम शुरू होने से पहले हमारे शरीर को प्री सिम्टम्स मिलने शुरू हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, हमें फ्लैशेज ऑफ लाइट दिखती हैं, सुन्नपन आ जाता है शरीर में, सोचने में दिक्कत आती है। और जब हेडेक शुरू होगा तो ये सारे सिम्टम चले जाएंगे और वो हेडेक एटलीस्ट 2 से 3 घंटे तक रहेगा, और कभी कभी तो ये हेडेक 4 से 72 घंटों तक भी रहता है। मोस्टली ये स्ट्रेस की वजह से होता है और फीमेल्स में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। फीमेल्स में मेंसेस से पहले भी माइग्रेन की प्रॉब्लम आती है। अब अगर इसके कारण के बारे में सोचा जाए तो ये खून की जो नसें होती हैं हमारे सर के आसपास, उनके सिकुड़ने की वजह से होता है। अब इस माइग्रेन की प्रॉब्लम के ट्रिगर्स क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से माइग्रेन की प्रॉब्लम आती है? तो सबसे पहले आता है मौसम का बदलना, ऊंची आवाज़ें, ये चीज़ जेनेटिक भी हो सकती है, मतलब कि फैमिली मेम्बर से आ सकती है, स्ट्रेस, इमोशनल सिचुएशन और मोस्टली डिप्रेशन, एंग्जाइटी और एपिलेप्सी जैसी बीमारियों में भी माइग्रेन की प्रॉब्लम आती है। और इसका एक और मेन कारण है ब्लड का शुगर लेवल लो होना। अब बात करते हैं कि माइग्रेन की प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जहाँ पर दर्द हो रही है वहाँ पे आपको कोल्ड पैक लगाना चाहिए। कई लोगों को लेवेंडर ऑयल से फ़र्क पड़ता है, या अगर हम आयुर्वेद में बात करें तो आप सर पर अमृत धारा लगा सकते हैं। कुछ लोगों को अदरक खाने से आराम मिलता है और कुछ में एक्यूप्रेशर बहुत ही काम का होता है। अब इसमें आप अपना लाइफस्टाइल कैसे रखें, तो सबसे पहले तो पानी बहुत ज़्यादा पिएं, नींद अच्छी लें और एक्सरसाइज या योग ज़रूर करें, हो सके तो मेडिटेट करना चाहिए आपको, खाने को मिस ना करें। और कुछ लोगों में कॉफ़ी या अल्कोहल से अटैक होते हैं तो वो इन चीज़ों को ना लें। फूड सेंसिटिविटी वाले लोग चॉकलेट, चिकनाई वाला खाना, अल्कोहल, आर्टिफिशियल स्वीटनर या सिट्रिक फ्रूट्स ना लें। अब इसकी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो नॉर्मली लोग पेन किलर्स लेते हैं और चलते बनते हैं। इसका इलाज सिर्फ पेन किलर्स नहीं है, इसकी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है। तो अगर आपको मैं किसी देसी नुस्खे के बारे में बताऊँ तो आप क्या करें, आपने एक सफ़ेद प्याज लेना है, ध्यान रहे सफ़ेद प्याज ही लेना है, जो घर पे आपके प्याज होता है वो ना लें। उसके साथ में थोड़ा सा जीरा ले लें, जीरे को भूनना नहीं है, जस्ट उसको पीस लें और उस प्याज को और जीरे को एक पोटली में डाल दें और उसको अच्छे से कूटें, और कूटने के बाद उसमें से जो भी 2-3-4 बूंदें रस निकलेगा उसको कांच की बॉटल में निकाल लें। और आपको जब भी पेन शुरू होने लगे या आपको लगे कि प्रॉब्लम आने वाली है तो 2-2 ड्रॉप्स अपने नाक में ज़रूर डालें। मेडिसिन की बात करूँ तो इसमें आप शिरशुल वज्रादि रस ले सकते हैं, 1 टैबलेट सुबह शाम गर्म पानी के साथ। साथ में आप अश्वगंधा रस ले सकते हैं 2 टेबलस्पून इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर के साथ। ध्यान रहे आप अपना पेट साफ रखें, आपके पेट में कोई प्रॉब्लम ना आए तो ये मेडिसिन अच्छे से वर्क करेंगी। और फिर भी कुछ करने से पहले अपने आसपास किसी डॉक्टर या स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि माइग्रेन को पहचानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपको नॉर्मल सर दर्द हो रहा हो लेकिन आप उसको माइग्रेन समझ रहे हो। ये मेडिसिन नॉर्मल सरदर्द और माइग्रेन दोनों में काम करेगी, लेकिन आपको कुछ भी लेने से पहले डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। टेंशन ना लें, कोई प्रॉब्लम हो तो अपनों के साथ शेयर करें, अपनों के साथ रहें, लाइफ को एंजॉय करो और इस वीडियो को भी लाइक करो। अगर अच्छी लगी ये वीडियो तो इसको शेयर करो और द इंडियन डॉक्टर चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें अच्छा लगेगा। नमस्कार। जो डॉक्टर्स हैं वो वाइट कोट इसलिए डालते हैं क्योंकि वाइट पे अगर कुछ भी पड़ेगा, जैसे ब्लड या कोई भी फ्लूइड, तो उनको अच्छे से दिख जाएगा। कोट गंदा हो तो उसी टाइम बदला जा सकता है। और एक और बात, वाइट कलर जो है वो क्लीनलीनेस को दर्शाता है, तो इसलिए डॉक्टर्स वाइट कोट डालते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमस्कार।